All right, friends, this question may be given a mass m is attached to a spring of natural length L naught and spring constant k. ओके तो सिनेरियो ऐसा है कि ये हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के और इसके साथ एक मास अटैच्ड है दैट मास इज से एम और इस स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ हमें गिवन है एल नॉट. ओके वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द सेंटर ऑफ अ डिस्क इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन व्हिच इज बीइंग रोटेटेड बाय कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. फाइंड द एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ इन द स्प्रिंग. ओके तो कुछ एग्जांपशंस हमें लेनी पड़ेंगी. पहली तो ये हमें कहा गया है कि एक डिस्क है तो एक डिस्क बना लेते हैं. इस डिस्क पर हमने इसे सिस्टम को रखा है और इस तरह से रखा है कि ये जो स्प्रिंग है इसका एक एंड बिल्कुल डिस्क के सेंटर के साथ जुड़ा हुआ है और ये मास जो है ये भी डिस्क के ऊपर आ जाएगा अब. और ये जो डिस्क है आप इसे रोटेट कर रहे हैं विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ये हमें गिवन है क्वेश्चन में. अब जब ये डिस्क एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगी ओमेगा से तो ये मास भी इस स्प्रिंग के साथ अटैच है ये भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ स्टेडी स्टेट में आने में रोटेट करना शुरू कर देगा. तो अब ये मास हम ये मान के चल रहे हैं ये ओमेगा से ही रोटेट कर रहा है इस डिस्क के ऊपर. तो क्योंकि ये रोटेट कर रहा है इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगनी चाहिए. वो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लगेगी? वो स्प्रिंग के थ्रू लगेगी. स्प्रिंग के थ्रू कैसे लगेगी? ये मास जो है ये थोड़ा सा आउटवर्ड मूव कर जाएगा बाय सर्टन अमाउंट से एक्स जिसकी वजह से ये स्प्रिंग जो है इस मास के ऊपर अंदर की तरफ एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगा. दैट फोर्स वुड बी के एक्स और ये के एक्स जो है ये एक्ट करेगी एज सेंट्रीपिटल फोर्स. तो हो ये रहा है इस क्वेश्चन में कि जो स्प्रिंग फोर्स है इस मास के ऊपर वो एक्ट करेगी एज नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके तो स्प्रिंग फोर्स इस पे जो एक्ट कर रही है वो है के एक्स क्योंकि एक्सटेंशन हो गया है और जो सेंट्रीपिटल फोर्स इस पे लगी है दैट विल बी एम आर ओमेगा स्क्वायर. अब ये जो आर है रेडियस ऑफ द सर्कल मास एम इस पॉइंट पे आया हुआ है और जब ये सर्कल में जा रहा है तो सर्कल का रेडियस जो है आर दैट विल बी इक्वल टू एल नॉट प्लस एक्स. क्लियरली डायग्राम से ये दिख रहा है. तो आप R की वैल्यू फिल कर दीजिए यहाँ पे L नॉट प्लस एक्स तो आपके पास ये आ जाता है M L नॉट प्लस एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर. राइट और ये अब आपके पास ना एक्चुअली लेंथ ऑफ स्प्रिंग भी हो गया है. हमसे पूछा गया फाइंड द एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ और कंडीशन गिवन है K इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू M ओमेगा स्क्वायर. ओके थोड़ा सा रीअरेंज करके इसे समझ लेते हैं. दो तरीके हैं इसे करने के इसे इसके आंसर पे आने के एक तो ये कि आप देखिए यहाँ से रीअरेंज करेंगे तो x है एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग डिवाइडेड बाय l नॉट प्लस x. ये आपके पास लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है. राइट ये आपके पास फाइनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है. तो दिस विल बी इक्वल टू ये आपके पास क्लियरली आ रहा है m ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय k जो कि हमें फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है. तो यहीं से हमारे पास एक आंसर आ रहा है. दूसरा तरीका क्या है आप इसे थोड़ा सा रीअरेंज करें. तो देखिए ये l नॉट प्लस x आपको दिख रहा है. आप क्या करें x वाली टर्म्स को इकट्ठी कर लें एक तरफ. एक तो इस मेथड से क्लियरली हमें दिख ही रहा है कि एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ कितना आ रहा है. राइट दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें. रीअरेंज करेंगे तो मेरे ख्याल से एक्सप्रेशन ऐसे बन जाएगा के एक्स इक्वल्स एम एल नॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस एम एक्स ओमेगा स्क्वायर और एक्स वाली टर्म्स एक साइड पर ले जाइए तो आपके पास आएगा के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू एम एल नॉट ओमेगा स्क्वायर और थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं तो ये आपके पास आता है एम ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर. दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू एक्स बाय एल नॉट. ये वैल्यू आपके पास आ रही है और क्लियरली के बहुत लार्ज गिवन है एम ओमेगा स्क्वायर से. तो एक्स बाय एल नॉट जो है एक्सटेंशन पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ. अब देखिए उन्होंने हमें ये क्वेश्चन में गिवन था फाइंड द एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ इन द स्प्रिंग. ठीक है अब लेंथ ऑफ स्प्रिंग जो है जब नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा इक्विलिब्रियम कह लें नॉन इनर्शियल फ्रेम में या जब ये रोटेट कर रहा होगा मास तो नई लेंथ आपके पास एल नॉट प्लस एक्स है वो डायरेक्टली हमारे पास आ रहा है एक्स बाय एल नॉट प्लस एक्स एम ओमेगा स्क्वायर बाय के. एक तो ये सीधे आ रहा है एक यहां से आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर बाय के और इसमें ये फैक्ट भी यूज हो रहा है कि के इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू एम ओमेगा स्क्वायर जो क्वेश्चन में गिवन है. तो यहाँ पे आप एम ओमेगा स्क्वायर निगलेक्ट कर दीजिए तो एक्सटेंशन पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ ये भी आपके पास यहां से वैल्यू आ जाती है एम ओमेगा स्क्वायर बाय के जो आपको फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है. सो इन एनी केस आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1.